अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नूर भाई, आप देख रहे हो रोमन ब्यूटी शॉप यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे और ख़ास करके मेरे सब्सक्राइबर भी ठीक होंगे। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ दो तीन तरह का प्रैक्टिकल किया था भाई के सेटअप है। इधर ही फैसलाबाद है, ग्लोरिन के नाम से इसका सेटअप है, शॉप बनाते। तो उसमें ना हमने एंड पे ना एक फार्मूलेशन की थी। तो इसके पास जो प्लॉटर लगे वो 3 इंच का है। अब वही फार्मूला मैं अपने प्लॉटर पे करने लगा हूँ कि क्या हमारे प्लॉटर का मसला है या हमारे फार्मूलेशन का मसला है। लेकिन मैं अगर ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मेरे ख्याल में प्लॉटर का ही मसला था इनका, क्योंकि 3 इंच का था और ये 5 का काफ़ी डिफरेंट है। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, वही नूडल्स है, उसी कंपनी की नूडल्स है और वही सारे प्रैक्टिकल हम करके आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक हो गया भाई? भाई आए हुए स्पेशल और वही प्रैक्टिकल। इनके मुकम्मल सामान भी मैं मंगवा चुका हूँ कि यार आप अपनी डाई भी लेके आइए और अपना रिड्यूसर भी लेके आइए, हम वहीं पे चेक भी करते हैं और अपने मशीनरी पे प्रैक्टिकल भी करते हैं। और जो डाई की पंचिंग होगी ना, वो इस भाई की डाई की पंचिंग होगी और इस भाई की डाई को भी मैंने अपने डाई पर सेट कर लेना है। ये ना हमारा 5 किलो नूडल्स है, इसमें अब हम डाल रहे टालकम 1 kg। ये 1 kg हम इसमें डाल रहे टालकम। ये 5 kg नूडल्स हैं और उसमें 1 kg हम टालकम डाल रहे हैं। ये फार्मूलेशन भाई की 3 इंच प्लॉटर पे की थी तो सही चीज़ नहीं बनी। अब इधर करके आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ठीक है, ये मेरे पास ना टाइटेनियम है 5 ग्राम, एक ये टाइटेनियम डाल दिया इसमें 5 ग्राम। तो अभी बाकी चीज़ें भी डाल के आपको दिखाते हैं। ये ना 5 किलो का हम फार्मूलेशन कर रहे हैं तो इसमें हम सिलिकेट डालने लगे। वन के जी सिलिकेट ये और आधा किलो मजीद दे के आएंगे, 500 ग्राम कितना बन गया। ना इसमें हम अभी आधा किलो और डाल रहे हैं। 5 किलो में हमने 1.5 किलो सिलिकेट डाले और 1 किलो टालकम था। अब इसमें हम डालेंगे कस्ट्राइल, ये 100 ग्राम कस्ट्राइल था। ये प्रैक्टिकल हम 3 इंच प्लॉटर में भी कर चुके हैं लेकिन स्मॉल प्लॉटर की वजह से सही नहीं बना। तो आज हम ये बड़े प्लॉटर पर ट्राई कर रहे हैं 5 इंच वाले से। अब हम इसमें डालेंगे खुशबू, चालीस ग्राम खुशबू हमने डाली है 5 किलो में। अब हम इसमें डालेंगे रंग, रंग अक्सर लोग 1 kg में 1 ग्राम यूज करते हैं लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं ऐसे बना लेता हूँ कप में, थोड़ा थोड़ा करके डालता हूँ, तो जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना कर लेता हूँ। वैसे आम रूटीन में आप 1 kg में 1 ग्राम या 0.5 ग्राम आप कर सकते हो। क्योंकि डेली बेसिस पे प्रोटेक्शन होती है
तो हमें इतना आइडिया हो जाता है कि कलर हमने कितना रखना है। काफी सारी पार्टियां डिमांड करती है हल्का रखो, काफी सारी पार्टियां डिमांड करते हैं तेज रखो, तो उन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ना करना पड़ता है। और ये तो पार्टी की डिमांड नहीं है, ये तो हमारी अपनी डिमांड है। मैं हल्का कलर पसंद करता हूँ ऐसे, तो ये ग्रीन हमने कलर बनाना था तो इनफ है मेरे लिए, ये कलर काफी है। इसमें मेरे हिसाब से इसमें हमने आधा ग्राम भी नहीं डाला, थोड़ा सा लेके मैं पानी में मिक्स करता हूँ, फिर चम्मच के हिसाब से डालता हूँ। आम रूटीन में 3 चम्मच में डाल लेता हूँ अगर तेज लग रहा हूँ, वैसे अगर हमने हल्का रखना होता है तो फिर कम कर देते हैं। ये हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, इससे पहले भी 2-3 हुए थे, ये भी उस वक्त में था नहीं, बिजी था थोड़ा सा, दिखा ना सका। ये हम ना 5 किलो के प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि तो बिछा भी देंगे आपको और एंड पे भी आपको दिखाएंगे क्या सी चीज बनी है। ये ना डंडे की तैयारी हो रही है, ये लास्ट प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आगे भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। पूरी मुकम्मल अगर हम बताइए दिखाना भी शुरू कर देना तो काफ़ी लंबी हो जाती है, तकरीबन आप यूँ करें कोई 40 से 50 मिनट के दरमियान हो जाती है, तो इसलिए जो मेन मेन चीज़ें हैं ना वही मैं दिखाना चाहता हूँ और वही दिखा रहा हूँ। ये ना जो अभी हमने ना फार्मूलेशन की थी ना 5 kg की, ये उसका बाहर आ रहा है आपके सामने, ये देखिए। ये हमने कुछ पीसेस निकाल के भी रखे हैं ना, क्योंकि 5 किलो का फार्मूला है तो मार तो थोड़ा है ना, ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता। ये हम काट के ना फेंक देते वापस टप में, ये भाई जो माल तैयार किया था ना ये वही फार्मूलेशन है जो कल परसों
जो इससे पिछली वीडियो थी ना उसमें मैंने की हुई थी, देखे ना, 3 इंच प्लॉटर पे ये फार्मुलेशन की थी, तो उससे चीज़ जिस तरह तैयार हुई है ना वो भी आपके सामने है। और ये 5 इंच भी की, फार्मूला वही है, मटेरियल भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये चीज़ अच्छी तैयार हुई आपके सामने है। ये देखिए, बस सिर्फ एक पंचिंग, कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपके सामने है ना, देखो ना, बिल्कुल ज़रा भी कहीं से फटा हुआ नहीं है।